नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइडिया का ट्रीटमेंट कराने के बाद भी, जिसे हम डेंटल स्केलिंग कहते हैं, वो कराने के बाद भी ऐसे क्या कारण होते हैं कि पाइडिया दोबारा से हो जाता है। पाइडिया में आपके मसूड़े लाल हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है, मुँह से बदबू आती है और अगर पाइडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मसूड़ों से पस आता है और दांत लंबे दिखने लग जाते हैं, जिसमें मसूड़े आपके दांत की हड्डी जो होती है आसपास की उसको छोड़ देते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं और दांत बहुत लंबा दिखने लग जाता है। काफ़ी एडवांस स्टेज में दांत में मोबिलिटी आ जाती है और दांत हिलने लग जाता है और एक समय के बाद दांत निकल जाता है। शुरुआती दौर में इसका ट्रीटमेंट डेंटल स्केलिंग होता है, जिसे हम मशीनों से दांत की सफाई करते हैं और कुछ दवाइयाँ आपको देते हैं जिससे आपको पायरिया से आराम हो जाता है। बहुत सारे केसेस में जब पेशेंट घर वापस जाता है तो कुछ दिन के बाद ही उसके मसूड़ों में से फिर से खून आने लग जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि पायरिया दोबारा से शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, पायरिया क्यों होता है, क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने डेंटल स्केलिंग कराई है, अगर आपके डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि आपको पायरिया है और उसने आपके दांतों की सफाई करी है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कुछ दिन के बाद आपको पायरिया नहीं हो सकता। पायरिया जमे हुए खाने की वजह से होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसकी एक पतली लेयर हमारे दांतों के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। अगर हम सही समय पर इस लेयर को हटाते नहीं है, जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं, तो अगर हम डेंटल प्लाक को हटाते नहीं हैं तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। बैक्टीरिया की वजह से मसूड़ों में सड़न होने लग जाती है और इसी सड़न की वजह से जो मुंह से खून आता है या मसूड़ों से खून आता है और मुंह से बदबू आती है और मसूड़े लाल हो जाते हैं, ये सभी बैक्टीरिया की वजह से होता है जो मसूड़ों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आपने स्केलिंग कराई है तो आपको अपने दांतों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्केलिंग के साथ पॉलिशिंग भी की जाती है, जिसमें आपके दांत के आसपास की सरफेस जो खाना जमा होने की वजह से रफ हो चुकी थी, पॉलिशिंग के साथ उसको प्लेन कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी जब किसी को पायरिया होता है तो उसके मसूड़े काफ़ी नीचे चले जाते हैं और मसूड़े और दांत के बीच में एक स्पेस बन जाता है। इस स्पेस को भरने के लिए एक समय लगता है। बहुत सारे केसेस में अगर ये स्पेस 5 mm से ज़्यादा है तो ये स्पेस नहीं भरता है। अब ऐसे केसेस में दांत और मसूड़े के बीच के स्पेसेस में खाना रुकने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस स्पेस को अगर लगातार साफ ना रखा जाए तो इसमें खाना बहुत मात्रा में जमा हो सकता है, जिससे आपको पायरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर पहले ये स्पेस 2 mm का था और अब 5 mm का हो गया है तो खाना जमा होने की क्षमता उस स्पेस में बढ़ गई है। तो स्केलिंग के बाद जो स्पेस बन गया है उसमें खाना ज़्यादा रुक रहा है, इसलिए स्केलिंग के बाद आपको पायरिया होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होगा अगर आपने पूरी तरह सफाई नहीं रखी तो। अगर ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज थी, अगर आपको अभी अभी पायरिया हुआ ही था और आपने डेंटल स्केलिंग कराई है, तो ऐसे केसेस में बहुत कम स्पेस बनता है। अगर अपने मसूड़ों की अच्छे से मसाज की जाए तो स्पेस को बहुत जल्दी ख़त्म किया जा सकता है और हेल्दी जो गम्स है उन्हें मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जिनको भी एडवांस पेरिओडोंटाइटिस था या एडवांस जिंजिवाइटिस था, उनके केस में खाना रुकने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने स्केलिंग कराई है तो अगर स्पेस जो आपके दांतों के बीच में बन गया है तो उसकी सफाई का बहुत आप ध्यान रखिए। कैसे कर सकते हैं दांत और मसूड़े के बीच की सफाई, देखिए उसके लिए आपको फ्लॉस दिया जाएगा, उसके लिए आपको इंटरडेंटल ब्रश दिए जाएंगे, ब्रशिंग का सही तरीका बताया जाएगा। हर केस के हिसाब से जो इंटरडेंटल ब्रश होते हैं इनके साइज होते हैं, तो ये आपको आपके डॉक्टर से पूछना है कि आपके केस में कौन सा इंटरडेंटल ब्रश सूट करेगा और वही आपको यूज़ करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरडेंटल ब्रश यूज़ किया तो ये स्पेस और बढ़ जाएगा और खाना रुकना और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर आपको स्केलिंग कराने का फिर से पायरिया हो गया है तो हो सकता है आपकी ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा ख़राब हो। तो स्केलिंग कराने के साथ ही आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको अपने मसूड़े की मालिश कैसे करनी है ये आपको अपने डेंटिस्ट से पूछना है।
आपको अपने जो स्पेसेस बन गए हैं जहाँ पहले खाना रुका हुआ था उन स्पेसेस में खाना ना फंसे उसके लिए स्पेशल क्या करना है आपको अपने डेंटिस्ट से पूछना होगा और उन जगह का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले भी वहाँ खाना जमा हुआ था और आपने सफाई नहीं करी होगी तभी वहाँ पायरिया हुआ है। तो इस बार आपको उन जगहों का विशेष ध्यान रखना है, या जो गलतियाँ आप कर रहे थे पहले वो गलतियाँ ना हो, इन पर विशेष ध्यान देना है। ब्रशिंग टेक्निक सही करने से ही आपका बहुत ज़्यादा जो खाना है वो निकल जाएगा और दोबारा पायरिया होने का चांस कम हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर दोबारा पायरिया हुआ है तो दोबारा स्केलिंग करानी पड़ेगी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको पायरिया हो चुका है, आप एक बार स्केलिंग करवा के आए और दोबारा से आपको पायरिया शुरू हो गया है या मुंह से बदबू आ रही है या फिर मसूड़ों से खून आ रहा है, तो बिल्कुल आपको दोबारा से स्केलिंग करानी ही पड़ेगी। एक बार स्केलिंग कराने के बाद जब डीप स्केलिंग होती है तो दांत और मसूड़े के नीचे से खाना जो जमा होता है वो निकाला जाता है। पूरा आराम आपको उसी के बाद आएगा। तो अगर आप अभी स्केलिंग करवा कर आए हैं तो अभी से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर दोबारा स्केलिंग कराई है उसके बाद फिर से खाना जमना शुरू हो गया है तो आप बिल्कुल ये बात समझ लीजिए कि आपकी सफाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपकी सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो मसूड़े में इन्फेक्शन है उसका एक ही कारण है आपके मुंह में जमा हुआ खाना। तो हर खाने के बाद आपको कुल्ला करना है। अगर आपको पायरिया ज़्यादा हो चुका है तो अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट कराइए, हो सकता है आपको फ्लैप सर्जरी की ज़रूरत पड़े ताकि जो आपके मसूड़े काफ़ी नीचे चले गए हैं उनको थोड़ा ऊपर लाया जा सके और स्पेस को बहुत कम किया जा सके। तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट बता सकते हैं। हर केस के हिसाब से ये अलग अलग होता है, लेकिन बहुत सारे जो केसेस होते हैं जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिन लोगों में पायरिया दोबारा होना शुरू हो जाता है, उनका रीज़न बस यही होता है कि जो वो गलती पहले कर रहे होते हैं सफाई कराने से वही गलती वो अभी कर रहे होते हैं। वो सफाई करा के आते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब हमने सफाई कर लिया और हमारा पायरिया का ट्रीटमेंट पूरा हो गया है तो अब हमें दोबारा पायरिया नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर अभी पायरिया का ट्रीटमेंट कराया है और कल से ही खाना जमा हो गया तो कुछ ही दिनों में आपकी कंडीशन वापस से वैसे ही हो जाएगी। खाना जहाँ जमना शुरू हुआ मसूड़े में इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो इसलिए सफाई के बाद, स्केलिंग के बाद आपको पूरा ध्यान रखना है अपने मुंह का। सुबह शाम ब्रश करना है, इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करना है, फ्लॉस यूज़ करना है, खाना खाने के बाद कुल्ला करना है। अगर आप खाना खाने के बाद च्युइंगम चबाना चाहें तो आप च्युइंगम ले सकते हैं, वो जो च्युइंगम होगी वो शुगर फ्री होगी तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी कुछ लोगों में जो पायरिया होने का चांस ज़्यादा हो जाता है वो होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या जिनमें डायबिटीज़ होता है, क्योंकि उनमें हीलिंग बहुत कम हो जाती है। हीलिंग कम होने की वजह से वो मसूड़े जो जितने भरने चाहिए उतने नहीं भरते हैं और जो कंडीशन है वो वर्स्ट होती जाती है। तो डायबिटीज़ के लोगों को और भी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनकी हीलिंग कम है और घाव कम भरेंगे, इसलिए उन्हें सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डायबिटीज़ में वैसे भी पेरिओटाइटिस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डायबिटीज़ के लोगों को अपने मसूड़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर मसूड़े इन्फेक्टेड रहे तो आपका डायबिटीज़ भी बढ़ सकता है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों की ये शिकायत है कि हमने पायरिया का इलाज कराया था लेकिन फिर भी परेशानी दोबारा से हो गई है, तो वो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। एक बार अपने डेंटिस्ट को दोबारा ज़रूर दिखाएं, उनसे पूछें कि कहाँ दिक्कत हो रही है, आप उन्हें अपनी टेक्निक बताएं और वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कौन से स्पेसेस सही से साफ नहीं कर पा रहे हैं। वो उन्हें आप ज़रूर बताएं और वो उसकी टेक्निक आपको बताएंगे कि आपको इस स्पेस को कैसे क्लीन करना चाहिए या इस मसूड़े को कैसे सही करना चाहिए। तो इससे जुड़ी आपकी कोई और समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।